वेलकम टू कुरुड़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हमाद और आज बात करेंगे। मुझे भी थोड़ी देर पहले पता चला कि आईसीसी ने अपना जो न्यू फाइनेंशियल मॉडल है उसको प्रिपेयर किया और उसको पेश कर दिया। तो मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताता चलूं कि ये जितने भी ममालक हैं या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं इनसे जो रेवेन्यू इनकी सीरीज हैं या जो भी इनके टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे जो थोड़ा सा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईसीसी को जाता है और फिर आईसीसी इन तमाम मालक से जो इकट्ठी रकम होती है उनको जो अर्निंग होती है या जो पैसा मिलता है वो तमाम मालक के क्रिकेट बोर्ड में वो शेयर भी करता है। तो इस हवाले से जो बीसीसीआई है वो हमेशा से ही बाजी लेता आ रहा है और इस बार भी वो बाजी ले गया है। तो बीसीसीआई की वैसे भी तमाम मामलों में वो बहुत आगे है। ये एक अच्छी चीज़ है कि वो एक पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और जितने भी तमाम ममालिक के क्रिकेट बोर्ड हैं उनको इस तरह का डोमेस्टिक मॉडल या जो उनके स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं उनको बेहतर करते हुए तमाम ममालिक को इन बीसीसीआई से सीखना चाहिए और अपने क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि वो अपने ममालक में उस स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में वो बेहतर से बेहतर कारकर्दगी जो है सारा अंजाम दे सकें। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेरे सामने रिपोर्ट है इसके मुताबिक बीसीसीआई को 38.5% जो आईसीसी की टोटल उसका रेवेन्यू है जो अर्निंग है वो जो शेयर कर रहा है उसमें से ये हिस्सा मिलेगा और ये जो 38.5% बनता है ये ऑलमोस्ट $230 मिलियन है और पाकिस्तानी रुपीज में कर इसकी मैं आपको बताता चलूँ तो ये 66 अरब रुपए से ज्यादा की रकम बनती है। और मजीद आपको दूसरे क्रिकेट बोर्ड के बारे में भी बताता हूँ आपको कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको मजमूई तौर पर 6.89% और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 6.25 जबकि पाकिस्तान को 5.75% जो है वो जो उनका रेवेन्यू है उसको देने की पेशकश की गई है। इस हवाले से जो इनकी ये तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, मजीद मैं आपको बताता चलता हूँ कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन मिलेगा। मजीद जो इनकी फहरिस्त है उसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को 4.73 और जो है मजीद आपको बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ को 4.58%, श्रीलंका को 4.52, बांग्लादेश को 4.46 जबकि साउथ अफ्रीका को 4.37, आयरलैंड को 3.01 और अफगानिस्तान को 2.80% जो है वो दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से आपकी कोई कमेंट हो तो वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, थैंक यू।